हाय गाइस माय नेम इज नितिश एंड यू वेलकम टू माय यू चैनल इस वीडियो में हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे अगर आपको याद होगा हम लोग पिछले चार पाँच वीडियो से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे थे टॉपिक uh, का नाम था सेल्फ अटेंशन मैंने आपको बोला था कि सेल्फ अटेंशन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ट्रांसफॉर्मर्स का आर्किटेक्चर समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी सो so, वो कंपोनेंट तो हो गया अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और जो नेक्स्ट कंपोनेंट बहुत यूजफुल होता है ट्रांसफॉर्मर्स uh, आर्किटेक्चर में आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं और उस कंपोनेंट का नाम है मल्टी हेड अटेंशन मल्टी हेड अटेंशन खुद में कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है आप सेल्फ़ अटेंशन के थ्रू ही मल्टी हेड अटेंशन बनाते हो और इस वीडियो में हम वही सीखने जा रहे हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी हेड अटेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में उसका कंप्लीट आर्किटेक्चर दिखाऊंगा बहुत डिटेल में विथ पिक्चर्स एंड लास्ट में आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने एक विजुलाइजेशन जुगाड़ किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा जिससे जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द वीडियो लेट स्टार्ट तो गाय वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक बार हम लोग सेल्फ अटेंशन का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं बिकॉज अगर आपको सेल्फ अटेंशन क्लियर नहीं है तो फिर आपको मल्टी हेड अटेंशन कभी समझ नहीं आएगा सेल्फ अटेंशन क्या होता है सिंपल शब्दों में सेल्फ अटेंशन इज अ टेक्निक जिसको यूज करके आप कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग्स जनरेट कर सकते हो एकदम सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए मान लो अगर आपके पास एक सेंटेंस है मनी बैंक और आप इसको नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो व्हाट आर योर अवेलेबल ऑप्शंस आप वन हॉट करोगे या फिर आप बैग ऑफ वर्ड्स करोगे टी एफ आई डी एफ करोगे या फिर बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको एम्बेडिंग्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो क्योंकि एम्बेडिंग्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वो सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर कर पाता है राइट right? मतलब सेमैंटिक मीनिंग कैप्चर करने का मतलब हुआ कि मनी और बैंक ये दोनों ज्यादा क्लोज होंगे मनी एंड लेट्स से ट्री ये एक दूसरे से थोड़े दूर होंगे ठीक है न्यूमेरिकली तो ये बात एम्बेडिंग्स में कैप्चर हो जाती है बट एम्बेडिंग्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये स्टैटिक होते हैं स्टैटिक होने का मतलब मनी का सिर्फ एक ही एम्बेडिंग वैल्यू है अब वही हर जगह पे यूज होगा बैंक का एक ही एम्बेडिंग वैल्यू है वो हर जगह पे यूज होगा तो अगर आप बैंक को यूज कर रहे हो इन दिस सेंटेंस और आप बैंक को यूज कर रहे हो इन दिस सेंटेंस दोनों ही जगहों पे बैंक का एम्बेडिंग वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगा इवेन दो दोनों सेंटेंसेज में बैंक का मीनिंग अलग है एंड दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एम्बेडिंग्स इसी को सॉल्व करने के लिए आता है सेल्फ अटेंशन सेल्फ अटेंशन के पास ये पावर है कि वो कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग्स जनरेट कर सकता है मतलब होगा तो वो भी एम्बेडिंग लेकिन किस कॉन्टेक्सट में यूज हुआ है वो उस हिसाब से बदल सकता है जैसे अगर बैंक मनी के साथ आया है तो एम्बेडिंग कुछ और दिखाई देगा और बैंक रिवर के साथ आया है तो एम्बेडिंग कुछ और दिखाई देगा ठीक है तो यही इस फ्लो डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया मनी बैंक मनी बैंक से आपने निकाला उन दोनों का दिस इज लाइक वर्ड टू वेक टाइप के किसी मॉडल से निकला होगा एंड दीज आर स्टैटिक और अब आपने इसको एक सेल्फ अटेंशन ब्लॉक में डाल दिया दिस इज अ सेल्फ अटेंशन ब्लॉक इसके अंदर क्या होता है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था पिछले चार पांच वीडियोस में और इससे निकल के हमें क्या मिलता है ये दोनों क्या है ये दोनों है कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग्स जो कि बेटर परफॉर्म करती है इन कमर टू स्टैटिक एम्बेडिंग्स तो दिस इज लाइक अ हाई लेवल री ऑफ सेल्फ अटेंशन अब अगर आपको एक और लेवल ऑफ री चाहिए कि एग्जैक्टली exactly इस ब्लॉक के अंदर क्या चल रहा है तो वो भी मैंने आपको बताया था इन डायग्राम्स के थ्रू कि आप सबसे पहले क्या करते हो कि आप तीन सेस लेते हो ठीक है WQ, क्यू डब्ल्यू के डब्ल्यू वी और आप अपने एम्बेडिंग वेक्टर्स को लेते हो और इनका मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कराते हो ई e मनी का इन तीनों के साथ ई e बैंक का इन तीनों के साथ और इससे आपको मिलते हैं ये वेक्टर्स। सो फॉर मनी फॉर द वर्ड मनी यू गेट थ्री न्यू वेक्टर्स जिसको हम क्वेरी की और वैल्यू वैक्टर्स बोलते हैं एंड फॉर बैंक ऑल्सो यू विल गेट थ्री न्यू वैक्टर्स बेसिकली आपके सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं हर वर्ड के लिए आपको तीन तीन वैक्टर्स मिल गए अब आप इन तीन वैक्टर्स के साथ ये काम करते हो फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स सो आपने मनी वाले को पकड़ा और उसका डॉट प्रोडक्ट कराया के बैंक से के मनी से इससे आपको ये स्कोर्स मिल गए इन स्कोर्स को आपने स्केल कर दिया ये सारी रीजन्स मैंने बताए थे स्केल हम क्यों करते हैं ये हमें स्केल्ड वैल्यूज मिल गई स्केल्ड वैल्यूज को आपने सॉफ्ट से नॉर्मलाइज कर दिया और इससे आपको आपके वेट्स मिल गए और उन वेट्स को जैसे आपने वी मनी और वी बैंक के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कराया ये रहा आपका आउटपुट द कॉन्टेक्चुअल एम्पेडिंग ऑफ द वर्ड मनी और यही सेम काम आप एज इट इज रिपीट करते हो फॉर

सेल्फ अटेंशन के बारे में मैंने आपको एक बात अभी तक नहीं बताई है और वो एक बात ये है कि सेल्फ अटेंशन में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अब सेल्फ अटेंशन के साथ प्रॉब्लम क्या है ये समझने का बेस्ट तरीका है कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें सो so, यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिख रखा है आप एक बार वीडियो पॉज करके इस सेंटेंस को पढ़ो और इसका मीनिंग बताओ सेंटेंस है द मैन सॉ द एस्ट्रोनोमर विथ अ टेलीस्कोप अब अगर मैं बोलूं कि इसका मीनिंग क्या होगा तो एक मीनिंग ये निकल के आता है कि किसी बंदे ने एक एस्ट्रोनमर को देखा टेलीस्कोप लगा के मतलब उसने टेलीस्कोप पे एक एस्ट्रोनोमर को देखा ये एक मीनिंग हो सकता है बट आप लोगों में से कोई मेरे से ये आर्ग्यू कर सकता है कि सर एक मीनिंग ये भी तो हो सकता है कि इस बंदे ने जिस एस्ट्रॉनमर को देखा उसके पास टेलीस्कोप था आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस ये एक एम्बिग्युअस सेंटेंस है और इसके मीनिंग में थोड़ी एम्बिग्यूटी है कंफ्यूजन है सो so, दो पॉसिबल मीनिंग्स निकल के आ रही हैं, ठीक है बट अनफॉर्चुनेटली सेल्फ अटेंशन जो है वो इन दोनों में से कोई एक ही मीनिंग कैप्चर कर सकता है राइट सेल्फ अटेंशन कैसे काम करता है वो हर वर्ड का एम्बेडिंग जनरेट करेगा उस एम्बेडिंग से इट विल जनरेट द क्वेरी की एंड वैल्यू वेक्टर्स फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स और फिर वो सारे के सारे क्वेरी और की वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल करके के सिमिलैरिटी स्कोर्स कैलकुलेट करेगा तो देयर इज अ चांस कि हम फर्स्ट वाला मीनिंग कैप्चर कर पाए मतलब ये है इसका कि जब हम इस पूरे सेंटेंस के ऊपर सेल्फ अटेंशन अप्लाई करें तो मैन और टेलीस्कोप के बीच का जो सिमिलैरिटी स्कोर है वो बहुत हाई आए जिससे ये मीनिंग निकल के आएगा कि ये जो मैन है ये टेलीस्कोप लगा के देख रहा है ठीक है सौ और टेलीस्कोप के बीच में बहुत हाई आएगा ठीक है बट एक दूसरा पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि आपका एस्ट्रोनोमर और टेलीस्कोप के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी हो और सौ एंड एस्ट्रोनोमर के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी हो जिससे ये मीनिंग निकल के आए कि जो बंदा है उसने एक एस्ट्रॉनमर को देखा और उस एस्ट्रोनोमर के हाथ में टेलीस्कोप था राइट right? तो आई होप मैं आपको प्रॉब्लम समझा पा रहा हूँ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ सेल्फ अटेंशन इज की सेल्फ अटेंशन एक गिवन सेंटेंस या डॉक्यूमेंट में सिर्फ सिंगल पर्सपेक्टिव ही फिगर आउट कर पाता है अगर मल्टीपल परस्पेक्टिव हैं तो सेल्फ अटेंशन उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा एंड अनफॉर्चुनेटली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कई ऐसे सीनारियज होते हैं जहां पर आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स कैप्चर करने होते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं मान लो आप एक डॉक्यूमेंट समराइजेशन टूल बना रहे हो डॉक्यूमेंट समराइजेशन टूल जिसका काम है एक डॉक्यूमेंट को देख करके उसकी समरी जनरेट करना और ये रहा वो डॉक्यूमेंट और हमारा यूजर चाहता है कि इस डॉक्यूमेंट का आप समरी जनरेट करो तो अगर आप सिर्फ सेल्फ अटेंशन यूज करोगे तो ऑब्वियसली आप सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से समरी जनरेट कर पाओगे राइट बट आइडियली आपको एक इस तरह का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना है जो इस सेम डॉक्यूमेंट को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देख करके मल्टीपल समरीज जनरेट कर पाए ठीक है तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड सेल्फ अटेंशन खुद में बहुत पावरफुल टेक्निक है कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए बट एक सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देखता है और सिर्फ एक टेबल फॉर्म करता है ये टेबल क्या है कि हर वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ सिमिलारिटी कितना है ये सिर्फ आप एक सिंगल टेबल निकाल रहे हो तो फिर कई बार जो हिडिंग मीनिंग है या मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है वो कैप्चर नहीं कर पाता और इसी को सॉल्व करने के लिए फिर आता है मल्टी हेड अटेंशन जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो चलो गाइस अब देखते हैं कि मल्टी हेड अटेंशन काम कैसे करता है मल्टी हेड अटेंशन एक सिंपल सॉल्यूशन प्रपोज करता है मल्टी हेड अटेंशन कहता है कि अगर आपके पास एक सेंटेंस है जैसे यहां पर ये यह सेंटेंस है द मैन स द एस्ट्रोनोमर विद अ टेलीस्कोप जिसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं या जिसके दो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं उसको ऑब्वियसली आप सेल्फ अटेंशन की हेल्प से मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स नहीं निकाल पाओगे तो व्हाट इफ हम एक सेल्फ अटेंशन के बदले दो सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल्स यूज करें एंड सिंस एक से ज्यादा सेल्फ अटेंशन यूज हो रहा है वी हैव टू कॉल इट मल्टी हेड अटेंशन जहां पर हर एक सेल्फ अटेंशन को हम एक हेड बुलाते हैं तो एक से ज्यादा को हम मल्टी हेड बुलाते हैं ठीक है तो मैं आपको एकदम विजुअल तरीके से समझाता हूं कि मल्टी हेड अटेंशन काम कैसे करता है ये जो आपको फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है ये एक सिंपल सेल्फ अटेंशन का डायग्राम है जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया था जहां पे आप क्या करते हो आप अपने सेंटेंस को लेते हो उसके हर वर्ड का एम्बेडिंग जनरेट करते हो फिर आप तीन मेट्रेसेस लेते हो डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू के डब्ल्यू वी और उनसे फिर आप ये वेक्टर्स जनरेट करते हो और फिर इन वेक्टर्स की हेल्प से आप कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग जनरेट करते हो वन फॉर ईच वर्ड ये हो गया सिंपल सेल्फ अटेंशन ये हम लोग कई बार देख चुके हैं मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन में आप क्या करते हो कि आप ये जो मेट्रिस है ना इनको बढ़ा देते हो सो so अगर आप एक सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल यूज कर रहे हो तो आप सिर्फ एक सेट ऑफ डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू के एंड डब्ल्यू वी यूज करोगे बट अगर आप दो सेल्फ अटेंशन यूज कर रहे हो तो आप एक और सेट ऑफ डब्ल्यू क्यू डब्लू के और डब्ल्यू वी लेके आओगे ये हो गया पहला सेट और ये हो गया दूसरा सेट एंड देर इज नो रेस्ट्रिक्शन आप चाहो तो तीसरा सेट भी ला सकते हो अगर आपको तीन सेल्फ अटेंशन पैरेलली अप्लाई करने हैं, ठीक है थीके? उसके बाद क्या होगा सिंस आपके पास मल्टीपल वेट मीट्रसेज हैं तो आपके ये जो क्वेरी की और वैल्यू वेक्टर्स हैं फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स ये भी दो बन जाएंगे ठीक है और फिर आगे का ये वाला जो काम है ये भी आप दो बार करोगे और फिर आपको एंड में जो कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग मिल रहा है पर वर्ड वो भी एक के बदले दो मिलेगा इफ यू आर यूजिंग टू सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल्स इन पैरल अब अगर ऐसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको विजुअली समझाता हूँ हम दो सेल्फ अटेंशन साथ में अप्लाई करने वाले हैं टू थियोरेटिकली दो से ज्यादा पॉसिबल है और लोग लगाते भी हैं बट इजी रखने के लिए मैं दो सेल्फ अटेंशन पैरल ही लगाऊंगा सो देखो सबसे पहले तो क्या चीज आपको नोटिस करनी है कि अब आपके पास दो सेट ऑफ वेट्स हैं एक है ये ठीक है और यही सेम चीज यहां पर है और सेकंड है ये और यही सेम चीज यहां पर है ठीक है मैंने इनको डिनोट कैसे कर रखा है डब्ल्यू क्यू अगर यहां पे वन है तो ये फर्स्ट सेट है डब्ल्यू क्यू अगर यहां पे टू है तो ये सेकंड सेट है सेम विथ के फर्स्ट सेट सेकेंड सेट सेम विथ वी फर्स्ट सेट सेकेंड सेट ठीक है सो so, ध्यान से देखो मैंने क्या किया मैंने अपना मनी वाला वर्ड उठाया उसका एम्बेडिंग जनरेट किया और अब उस एम्बेडिंग को मैं दोनों सेट ऑफ मीट्रसेस के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा रहा हूं इससे क्या फायदा हुआ कि मुझे दो सेट ऑफ क्वेरी की एंड वैल्यू वेक्टर्स मिले सेम वर्ड के लिए क्यू मनी वन क्यू मनी टू के मनी वन के मनी टू वी मनी वन वी मनी टू आई होप आपको समझ में आ रहा है यहां पर मुझे सिर्फ एक ही मिल रहा था तो सबसे पहला डिफरेंस तो यहां पे आपको दिख गया फिर मैंने सेकेंड वर्ड को उठाया विच वॉज बैंक बैंक का एम्बेडिंग जनरेट किया विच इज ई बैंक और फिर इसको भी मैंने दोनों सेट ऑफ वेट्स के साथ डॉट प्रोडक्ट कराया और फिर से मुझे दो सेट ऑफ क्वेरी की एंड वैल्यू वेक्टर्स मिले फॉर द वर्ड बैंक क्यू बैंक वन क्यू बैंक टू के बैंक वन के बैंक वी बैंक वी मनी पे बैंक होना चाहिए माई बैट शुड बी वी बैंक ठीक है यहां पर आप नोटिस करो सिर्फ एक सेट था तो सिंस अब हमारे पास दो वेट मीट्रिस का सेट है तो हमारे पास क्यू के वी वेक्टर्स पर वर्ड भी डबल हो गए अब अगर सारे वेक्टर्स डबल हो गए तो हम क्या कर सकते हैं हम बेसिकली जो जो चीजें यहां पर एक बार कर रहे थे वो चीजें हम दो बार करेंगे जैसे हमें अगर वाई मनी जनरेट करना है तो ये सिर्फ एक बार जनरेट हो रहा था यहां पे। अब यहां पे नोटिस करो दो बार हो रहा है कैसे हम सबसे पहले क्यू मनी वन को के मनी वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यू मनी वन को के बैंक वन के साथ कर रहे हैं और फिर हम आगे पूरा स्टेप वन वाले सेट के साथ करते जा रहे हैं इससे हमें फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल वैक्टर रिप्रेजेंटेशन मिल गया फॉर द वर्ल्ड मनी और फिर हम सेम काम सेकेंड सेट वाले वैक्टर्स के साथ कर रहे हैं और इससे मुझे सेकेंड कॉन्टेक्चुअल वर्ड रिप्रेजेंटेशन मिल गया फॉर द वर्ल्ड मनी ठीक है और फिर यही सेम काम मैंने रिपीट किया फॉर द वर्ड बैंक सो फर्स्ट सेट वाले के साथ मुझे वाई बैंक वन मिल गया और सेकेंड सेट वाले के साथ मुझे वाई बैंक टू मिल गया सो so, जो बेसिक डिफरेंस है उसका समरी यहाँ पे लिखा हुआ है हम क्या कर रहे हैं हमारे पास एक मल्टी हेड अटेंशन ब्लॉक है विच कंसिस्ट ऑफ टू सेल्फ अटेंशन ब्लॉक्स ठीक है हम क्या कर रहे हैं हम मनी का एम्बेडिंग एंड बैंक का एम्बेडिंग दोनों में भेज रहे हैं मनी को भी वन में भेज रहे हैं बैंक को भी वन में भेज रहे हैं मनी को भी टू में भेज रहे हैं बैंक को भी टू में भेज रहे हैं अब ये जो पहला वाला सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल है वो दोनों वर्ड से एक एक कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग बना रहा है वाई मनी वन वाई बैंक वन इतना ही हो रहा था जब हम एक सिंगल सेल्फ अटेंशन यूज कर रहे थे पहले बट नाउ दैट वी हैव टू सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल्स वी आर गेटिंग द सेकेंड रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो राइट दिस इज द सेकेंड सेल्फ अटेंशन का आउटपुट सो अगर मेरे पास ये बड़ा सा सेंटेंस है अगर मेरे पास ये बड़ा सा सेंटेंस है और उसको मैं अगर यहाँ पे भेजू तो मुझे जितने सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल्स होंगे उतने पर्सपेक्टिव्स कैप्चर करने का मौका मिलेगा आई रियली होप आपको समझ में आ गया मैं आपके लिए समराइज आपके लिए थोड़ा समराइज कर देता हूँ सो वॉट वी डू इज हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स कैप्चर हैं जो एक सिंगल सेल्फ अटेंशन ब्लॉक से नहीं हो पा रहा था या एक सिंगल हेड से नहीं हो पा रहा था तो मल्टी हेड अटेंशन एक सिंपल सी बात बोलता है कि हम इंस्टेड ऑफ वन सेट ऑफ दीज मीट्रेसिस व्हाट इफ वी यूज मल्टीपल सेट्स और मल्टीपल हेड्स तो उससे क्या होगा ये जो सेल्फ अटेंशन का पूरा प्रोसेस आप एक बार कर रहे थे आप मल्टीपल टाइम्स पैरल में कर सकते हो और सिंस ये पैरल ही हो रहे हैं ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे हमने दो करके दिखाया जो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर्स का पेपर है if I remember correctly, वहाँ पे eight heads हुए हुए हैं हैं का मतलब ठीक है टू कैप्चर एट डिफरेंट है अब ये चीज हमने काफी ब्रेक डाउन करके की एक बार मैं आपको बताता हूँ कि मेट्रिक फॉर्म में ये पूरी चीज कैसे होगी साथ में पूरी चीज कैसी होगी सो so, चलो गाइस मी टेल यू कि मल्टी हेड अटेंशन कैसे अप्लाई होता है एक साथ ठीक है ये डायग्राम बहुत ध्यान से मैंने बनाया एंड ट्रस्ट मी आपके लिए चीजें बहुत आसान कर देगा ठीक है सो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सो so ये रहा हमारा सेंटेंस सेंटेंस में सिर्फ दो वर्ड्स हैं मनी बैंक ठीक है money, bank, तो इन दोनों वर्ड्स के लिए मैंने इनका एम्बेडिंग जनरेट कर लिया ठीक है तो ये एम्बेडिंग एक्चुअली मीट्रिक्स जैसा इसलिए दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे दो एम्बेडिंग है ऊपर है ई मनी e और ये फोर डायमेंशन का है और नीचे है ई e बैंक ये भी फोर डायमेंशन का है दैट इज वाई ये जो मीट्रिक्स है ये टू क्रॉस फोर हो गया ठीक है अब यहाँ पे मेन चीज शुरू होती है अब यहाँ पे मेरा मल्टी है डेंशन है और मैं

सिमिलरली यहां पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक अलग सेट ऑफ मीट्रिसेज है ये डब्लू वी डब्लू के और डब्लू क्यू है बट ये सेकेंड सेट है तो इसलिए मैंने यहाँ पे टू लिखा हुआ है और ये भी सारे के सारे फोर क्रॉस फोर है ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं इस matrix का इन तीनों मीट्रिसेस के साथ इंडिविजुअल डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं तो जब इस येलो वाले का इस पिंक वाले के साथ हो रहा है तो वी आर गेटिंग दिस मीट्रिक्स जिसको हम Q1 बुला रहे हैं जब इस येलो वाले का इसके साथ हो रहा है वी आर गेटिंग दिस मीट्रिक्स इसको हम के वन बुला रहे हैं और जब इस येलो वाले का इसके साथ हो रहा है वी आर गेटिंग दिस मेट्रिक इसको हम वी वन बुला रहे हैं क्यू के और वी मीटरिक्स क्या है ये हमारे वो मीट्रिक्स हैं जिसके अंदर हमारा क्वेरी की वैल्यू वैक्टर्स हैं सो so ये जो क्यू मीट्रिक्स है इसमें दोनों वर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू वैक्टर्स हैं सो so बेसिकली ये आपका क्यू मनी वन है दिस इज क्यू मनी वन और ये आपका क्यू बैंक वन है ठीक है फिर ये आपका के मनी वन है और ये आपका के बैंक वन है ये आपका वी मनी वन है और ये आपका वी बैंक और ये सब के सब फोर डायमेंशनल है सो so, ये ग्रीन मीट्रिक्स टू क्रॉस फोर हो गया ये भी टू क्रॉस फोर हो गया और ये टू क्रॉस फोर हो गया ठीक है अब यही सेम चीज यहां भी हो रही है मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ के तीनों मेट्रिक के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं जब मैं इस पर्पल वाले के साथ कर रहा हूं तो मुझे क्यू टू मिल रहा है जब मैं इस ग्रीन वाले के साथ कर रहा हूं मुझे के टू मिल रहा है जब मैं इस ब्लू वाले के साथ कर रहा हूं मुझे वी टू मिल रहा है और ये क्यू टू क्या है ये है क्यू मनी टू एंड क्यू बैंक टू के मनी टू के बैंक टू वी मनी टू वी बैंक टू ठीक है अब हमारे पास सारे के सारे क्वेरी की और वैल्यू आ गए दोनों सेल्फ अटेंशन के अब यहां पे सेल्फ अटेंशन वाला पूरा काम चलेगा ये वाला काम ये जो पूरी चीज होती है ये पूरी चीज होगी और इस पूरी चीज की वजह से मुझे क्या मिलेगा मुझे मेरा z1 मिलेगा z1 क्या है z1 है बेसिकली मेरा y मनी वन एंड वाई बैंक वन बेसिकली ये दोनों चीजें ये आई एम सॉरी ये और ये ठीक है ये मुझे यहां पर मिल गया और इसके सेल्फ अटेंशन से मुझे जेड टू मिलेगा विच विल कंटेन वाई मनी टू एंड वाई बैंक टू ठीक है ये आउटपुट अलग हो गया ये आउटपुट अलग हो गया अब इधर से एक नई चीज होगी हमारे पास अब दो अटेंशन हेड से दो अलग कॉन्टेक्चुअल वैक्टर्स निकल के आ रहे हैं फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स। तो अब हम क्या करें हम क्या करते हैं हम इनको कॉन्कैटिनेट कर देते हैं जोड़ देते हैं सो so बेसिकली हम क्या कर रहे हैं हम Z1 को पकड़ रहे हैं दिस मच इज Z1 और इतने को पकड़ रहे हैं दिस इज़ ये ये है और ये ये है और उसको जोड़ करके हमें मिल गया जेड डैश और जेड डैश का जो आपका शेप है वो है टू क्रॉस एट वाई बिकॉज ये है टू क्रॉस फोर और ये भी है टू क्रॉस फोर तो अब ये जो है ना यहाँ पे मेरे पास मेरे जितने भी अटेंशन हेड्स हैं उनका कंबाइंड आउटपुट है ठीक है बट हमेशा याद रखो कि आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो एग्जैक्टली exactly उसी शेप का होना चाहिए जिस शेप का आपका इनपुट है आपकी एम्बेडिंग्स हैं विच इज टू क्रॉस फोर तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे किसी तरीके से इस टू क्रॉट टू क्रॉस एट मीट्रिक्स को वापस टू क्रॉस फोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम यहां पर क्या करते हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मीट्रिक्स W आउटपुट डब्लू ओ ठीक है और ध्यान देना इसका शेप कितना है इसका शेप है एट क्रॉस फोर इसका शेप क्या है टू क्रॉस एट ये एट एट कॉमन है जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो टू क्रॉस फोर हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा जो कि यहां पर है दिस इज आर फाइनल आउटपुट z और इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो सारे नंबर हैं ये भी वेट्स होते हैं जो आप ट्रेनिंग के दौरान सीखते हो ठीक है और इन वेट्स का मेन गोल ये है कि वो इस आउटपुट और इस आउटपुट के बीच में एक बैलेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं दो पर्सपेक्टिव्स हमें मिले हम उन दोनों पर्सपेक्टिव्स को समझ करके जो ज्यादा यूजफुल पर्सपेक्टिव है या इफ देर इज सम मिक्सचर ऑफ परसपेक्टिव हम वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और जैसे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगता है हमें हमारा फाइनल आउटपुट मिल जाता है जेड विच इज बेसिकली अ टू क्रॉस फोर मेट्रिक्स सो ये जो है ये आपके मनी वर्ड के कॉरस्पोंडिंग आउटपुट है और ये जो है ये आपके बैंक वर्ड के कॉरस्पोंडिंग आउटपुट है ठीक है अब इस डायग्राम में आप बहुत आसानी से और ज्यादा सेंटेंस और ज्यादा वर्ड्स वाला सेंटेंस यूज कर सकते हो एंड इफ पॉसिबल आप चाहो तो और ज्यादा अटेंशन हेड्स भी यूज कर सकते हो बट दिस इज द मेट्रिक्स फॉर्म इन विच मल्टी हेड अटेंशन इज अप्लाइड अब एक काम करते हैं uh, मैं आपके साथ क्विकली डिस्कस करता हूँ कि जो हमारा ओरिजिनल पेपर था अटेंशन इज ऑल यू नीड उसमें मल्टी हेड अटेंशन कैसे इम्प्लीमेंट किया गया ठीक है बेसिक आइडिया से मैं जो अब अभी तक हमने डिस्कस किया है बस कुछ स्लाइड चेंजेस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ सो so, यहाँ भी आप क्या करते हो आप अपने सेंटेंस के साथ शुरू करते हो जैसे हमारे केस में सेंटेंस है मनी बैंक उससे आप एम्बेडिंग जनरेट करते हो ठीक है अब यहां पे आपको पहला चेंज दिखाई देगा कि हमारा जो एम्बेडिंग हम यूज करते हैं वो फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व डायमेंशन का होता है इसका मतलब ये हुआ कि मनी का जो एम्बेडिंग है ई e मनी और बैंक का जो एम्बेडिंग है ये दोनों 512 सौ बारह सौ बारह डायमेंशन के वेक्टर्स हैं जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो येलो कलर का आपको मेट्रिक दिख रहा है ये टू क्रॉस पांच सौ बारह का हो गया ठीक है तो दिस वॉज द फर्स्ट चेंज सेकेंड चेंज की अगर हम बात करें तो पिछला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया वहां पर मैंने दो अटेंशन हेड्स लिए थे ओरिजिनल पेपर में एट अटेंशन हेड्स यूज हुए हैं यहाँ पे शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा दिस इज द फर्स्ट वन दिस इज द सेकेंड वन ऐसे करते करते दिस इज द एट्थ वन ठीक है सो so अब आप क्या करोगे आप अपने एम्बेडिंग वैक्टर्स को लीनियरली प्रोजेक्ट करोगे टू गेट योर क्वेरी की एंड वैल्यू मेट्रेस ठीक है तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका फर्स्ट सेट ऑफ वेट मेट्रेसेस जिसको आप डब्ल्यू क्यू के और WV वी बुला सकते हो इन सबके ऊपर मैं यहाँ पे वन लिख रहा हूं बिकॉज ये फर्स्ट हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच इक्वल टू वन और यहाँ पे नीचे आपको डब्ल्यू क्यू के और WV वी मिलेगा बट ये एट्थ हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है सो so, हम इन दोनों मेट्रेसेस को डॉट प्रोडक्ट करके लीनियर प्रोजेक्शन कराते हैं इससे हमें ये नाइन मीटरसेस मिल नाइन नहीं थ्री टाइम्स एट ट्वेंटी एट ट्वेंटी फोर मीटरसेस मिलती है सो so, ये वाला आपका हो गया क्वेरी वन ये वाला हो गया के वन और ये वाला हो गया वी वन ये वाला हो गया क्वेरी टू ये हो गया आपका के टू ये हो गया आपका वी टू ऐसे करते करते ये हो गया आपका क्यू एट ये हो गया के एट और ये हो गया वी एट ठीक है अब हमारे पास एट सेट्स ऑफ क्वेरी की वैल्यू वेक्टर्स हैं मेट्रेसेस हैं अब हम यहाँ पे सेल्फ अटेंशन पैरल में अप्लाई करेंगे कितने एट सेल्फ अटेंशन हम लोग पैरल अप्लाई करेंगे और उन सब से हमें कॉन्टेक्चुअल वेक्टर्स मिलेंगे एक और बड़ा चेंज जो यहाँ पर है जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया वो ये है कि आप ये जो मेट्रेसेस ले रहे हो ना ये सब के सब 512 सौ बारह बाय सिक्सटी फोर के हैं मतलब ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ये भी 512 सौ बारह बाय सिक्सटी फोर का है ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये भी 512 सौ बारह बाय सिक्सटी फोर है और ये जो पर्पल वाला है ये भी 512 सौ बारह बाय सिक्सटी फोर है तो आप जब एक टू क्रॉस 512 सौ बारह का एक 512 सौ बारह क्रॉस सिक्सटी फोर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये जो मीट्रिक्स मिलेगा इसका शेप होगा टू क्रॉस 64 मतलब ये जो आपका क्वेरी वेक्टर है और ये जो आपका क्वेरी वेक्टर है ये दोनों 64 डायमेंशन के हैं सेम विथ दीस टू दीस टू ऑल ऑफ देम ऑल ऑफ दीस आर 64 डायमेंशनल वेक्टर्स इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लीनियर प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे किया यहाँ पे हमने क्या किया डायमेंशन uh, को रिड्यूस कर दिया हम पहले 512 डायमेंशनल वेक्टर्स के साथ काम कर रहे थे अब यहां पर इस जगह पे हमारे पास जो सारे वेक्टर्स हैं वो सिक्सटी फोर डायमेंशनल ठीक है थीके? थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्यों डायमेंशन को रिड्यूस किया जो भी है इन रिड्यूस्ड डायमेंशन वाले वेक्टर्स के साथ हमने सेल्फ अटेंशन लगाया और यहां पे मुझे मिल गया मेरा वाई मनी वन वाई बैंक वन यहाँ पे मुझे मिल गया वाई मनी वन एम सॉरी टू यहां पे मिल गया वाई बैंक टू यहाँ पे आपको मिल गया वाई मनी एट यहाँ पे आपको मिल गया वाई बैंक एट और ये जो सारे के सारे पर्पल वेक्टर्स हैं ये भी आपके सिक्सटी फोर डायमेंशन के हैं तो ये वाला मेट्रिक्स टू क्रॉस सिक्सटी फोर हो गया ये वाला भी टू क्रॉस सिक्सटी फोर हो गया और ये वाला भी टू क्रॉस सिक्सटी फोर हो गया ठीक है यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आ रहा है इसके बाद आप क्या करते हो आपके पास एट अटेंशन हेड्स से एट आउटपुट्स आए हैं आप उन सबको

With the help of some weights, जिनको हम डब्लू आउटपुट बुलाते हैं और इसका शेप जो रहता है वो पांच सौ बारह बाय पांच सौ बारह रहता है तो इस मीट्रिक्स का जब आप इस मीट्रिक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको जो फाइनल आउटपुट मिलता है वो फिर से मिलता है टू क्रॉस पांच सौ बारह का जिसमें ये फर्स्ट वैक्टर इज द आउटपुट ऑफ मनी और ये जो है ये है आउटपुट ऑफ बैंक ठीक है और नोटिस करो कि जो आउटपुट का डायमेंशन है और जो आपका इनपुट का डायमेंशन है वो एग्जैक्टली exactly सेम है आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है ठीक है अब एक सवाल जो मैंने आंसर नहीं किया वो ये है कि हम यहाँ पर बीच में 512 से 64 पे क्यों गए और इसका सिंपल आंसर है कंप्यूटेशंस को रिड्यूस करने के लिए राइट right? अगर हम सबको पाँच सौ बारह ही रहने देते तो यहाँ पे जो सेल्फ अटेंशन हर सेल्फ अटेंशन में जो कंप्यूटेशन होते वो बढ़ जाते सो so, हमने क्या किया हमने हर सेल्फ अटेंशन को वन एट्थ ऑफ द डायमेंशनैलिटी प्रोवाइड कर दी बेसिकली वन एट्थ से रिड्यूस कर दिया सारे कंप्यूटेशन को और फिर इन सारे कंप्यूटेशन को आपने पैरले किया जिससे आपको आपका आउटपुट मिल गया और इस पूरे स्ट्रक्चर में आपका जो ओवरऑल कंप्यूटेशन लगा वो उतना ही लगा जितना अगर आप सिर्फ एक सिंगल सेल्फ अटेंशन यूज करते 512 डायमेंशन, आपने उस 512 हंड्रेड एंड डायमेंशन को 864 पार्ट्स में डिवाइड करके हेड अटेंशन अप्लाई कर दिया तो इन अ वे आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल गया आपने सेल्फ अटेंशन के बदले मल्टी हेड अटेंशन भी लगा दिया और आपको कंप्यूटेशंस भी उतने ही करने पड़े जितने आपको नॉर्मल सेल्फ अटेंशन में करने पड़ते बट आपके पास मल्टी हेड अटेंशन की वजह से मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आ गए यहाँ पर जो कॉन्काटिनेशन है वो है ज्वाइनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव्स मैं फिर से बता देता हूँ हम सारे पर्सपेक्टिव्स को जोड़ रहे हैं और ये जो लीनियर प्रोजेक्शन है ये काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस डिसाइड कर रहा है कि हर पर्सपेक्टिव कितना इम्पॉर्टेंट है और ये जो फाइनल आउटपुट है ये काइंड kind ऑफ of आपका आ, वो रिजल्ट को सिग्निफाई कर रहा है अब एक लास्ट चीज करते हैं मैं आपको एक बहुत बढ़िया विजुअलाइजेशन दिखाता हूं जिसके थ्रू जो भी आपने अभी पढ़ा है वो और क्लियर हो जाएगा सो गाइज अब मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है Uh, ये एक गूगल को लैब नोटबुक है जो मुझे गिठह पे मिला यहाँ पर एक एक्चुअल ट्रांसफार्मर ट्रेंड मॉडल को हम यूज़ करेंगे जहाँ पर इंटरनली मल्टी हेड अटेंशन काम कर रहा है uh, इस मॉडल का नाम है बर्ट शायद आपने नाम सुना होगा हम फ्यूचर में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं बट जो भी हो इस मॉडल को मैंने हमारा जो सेंटेंस था वो प्रोवाइड किया हमारा सेंटेंस था द मैन सॉ द एस्ट्रॉनमर विद अ टेलीस्कोप और अब मैं इस मॉडल का जो आउटपुट है वो आपको दिखाने वाला हूं सो so, यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स में आप काम कर रहे हो और हर लेयर में मल्टीपल हेड्स हैं मल्टीपल हेड्स है मतलब हैं मतलब मल्टीपल सेल्फ अटेंशन हैं ठीक है तो मैं लेयर जीरो की बात करता हूँ लेयर जीरो का आउटपुट आपको दिखाता हूँ और लेयर जीरो में मैं सबसे पहले आपको पहला जो हेड है फर्स्ट सेल्फ अटेंशन जो है उसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस विजुअलाइजेशन इज कि आप अपने सारे के सारे वर्ड्स पे जा करके देख सकते हो कि उसका सिमिलैरिटी बाकी के वर्ड्स के साथ कितना है ठीक है तो मैं सबसे पहले जाता हूँ मैन के ऊपर एंड यू कैन सी मैन के ऊपर जब मैं फोकस कर रहा हूं तो इसका सिमिलैरिटी मल्टीपल चीजों के साथ है जैसे कि सौ के साथ है एस्ट्रॉनमर के साथ भी है बट जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी दिखाई दे रहा है वो है टेलीस्कोप के साथ तो यहां पर मे बी वो वाला मीनिंग कैप्चर हो रहा है कि आ, जो आदमी है वो टेलीस्कोप लगा के देख रहा है और उसको एस्ट्रोनोमर दिख रहा है ठीक है वो मीनिंग यहाँ पे कैप्चर होता हुआ दिख रहा है अब अगर मैं जीरो के बदले सेकेंड वाले एज इन वन वाले सेल्फ अटेंशन हेड पे जाऊँ यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ये दूसरा मीनिंग कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है यहां पर मैन का बहुत स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी निकल के आ रहा है एस्ट्रॉनमर से और अगर आप एस्ट्रॉनमर पे जाओ तो एस्ट्रोनोमर का बहुत स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी निकल के आ रहा है टेलीस्कोप से तो इन अ वे ऐसा लग रहा है जैसे ये दूसरा वो मीनिंग कैप्चर हो रहा है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल हेड्स लगा करके अलग अलग परस्पेक्टिव को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं और ये जो डेमो है ये आपको एग्जैक्टली exactly यही बता रहा है ठीक है तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल टूल है जिससे आप अलग अलग सेंटेंसेस ट्राई आउट कर सकते हो आ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाकी आई होप आपको मल्टी हेड अटेंशन समझ में आ गया इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट अगर आपको सेल्फ अटेंशन आता है तो बस आप उसकी एक लिमिटेशन को सॉल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल सेल्फ अटेंशन हेड्स एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट मल्टी हेड अटेंशन तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में बाय